बापू नहीं दरोगा बाबा आप कहां से आ रहे हैं? बच्चा इस समय मैं काशी से आ रहा हूं। काशी से? जी हाँ। इस समय आपका सुअर बरवा कहां है? नारायण नारायण नारायण। अरे पागल तुम्हें कहना चाहिए कि बाबा जी आपका सुबाला कहां है? सुबाला कहां है? देखो बच्चा मैं काशी से आ रहा हूं और प्रयागराज जा रहा हूं बच्चा, वहीं पर मेरा सुबाला है। बाबा आप कब संन्यास लेंगे? अरे बच्चा जितनी बातें बोलते हो तुम सब उल्टी बोलते हो। तुम्हें कहना चाहिए कि बाबा जी आप कब से संन्यास लिए हुए हो? बाबा हमका अपन चैला मोत ले। अरे बच्चा जब तुम बोल नहीं पाते हो तो बोलने की प्रयास क्यों करते हो? तुम्हें कहना चाहिए कि बाबा जी तुम मुझे अपना चेला बना लो, मुझे चेला मूल लीजिए। ए बाबा जब हमका चेला बना ले ना, जैसे तू गणुआ वस्त्र पहले आम आऊ एक गणुआ वस्त्र तैयार ले भाई। रहा दिया तू ऐसे रहा ठीक है। अरे पागल तुम्हें गेरुआ वस्त्र चाहिए। बाबा जब तोरे संघे रहा लगा तो जहाँ चल संघे संघे रहा हम आऊ वही तोहा जल्दी जल्दी कुतिया बनाऊ। नारायण नारायण कहाँ से पागल आदमी से पाला पड़ गया। ये बताओ बच्चा ये किसकी हवेली है? यहाँ बहुत भीड़ भाड़ मची हुई है इसको बताओ, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा ना तो तुम हमारा साथ दे सकते हो। ए बाबा पहले ही बतावा तो कहीं दर्द आवेगना चाहिए। पहला काम ये नंदा बाई रंडी का कोठा है, तू आसाराम बापू चेला वाला तो न हो नहीं है ढेर दिन का रहे हैं। देखो बच्चा मैं साधु महात्मा हूँ, सही कह रहे हो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था लेकिन भूल में आ गया हूँ बच्चा। ते बताओ यहाँ भीड़ क्यों मची हुई है? बाबा भीड़ के बारे में आप जानना चाहते हैं? आज यहाँ नंदाबाई के कोठे पे एक लड़की की बोली लगी हुई है,
लड़की जो सबसे ज्यादा पैसा दे जाएगा वही लड़की को ले जाएगा। देखो बच्चा, मैं साधु महात्मा हूँ, सबसे पहले तो मुझे आने नहीं चाहिए था, अगर आ गया हूँ तो मैं भी बोली लगाऊंगा। अरे बाबा, हम जानते रहे बाबा लोग कैसे जी जाम समझा भैया, बाबा लोग का जानी कितना मंदिर के घंटा पेल के बैठ गया है, यही बारे बाबा तो चढ़ी नहीं पहनते। देखो बच्चा, इस तरह से किसी बाबा को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सुने तब बताओ। बच्चा बताओ, तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ का जी हाँ अंडा बाई से ठाइन के भाड़ुआ ही। नारायण नारायण नारायण। बच्चा बताओ कि तुम्हारे नंदा बाई कहाँ है, जरा बुलाओ तो। नास्तम सौरी भौरी चाहत बताओ। नारायण नारायण। ए सेठाइनिया, आवा तुम बाबा से आशीर्वाद ले, तोहरो मंडौर बाढ़ जाए। अरे बाबा जी, पाँव लागल। खुश रहो बच्ची, खुश रहो। ये बताओ बच्ची, क्या बात है कि आपके कोठे पे बड़ी भीड़ मची हुई है और ये आपका भड़ुआ बता रहा है कि लड़की की बोली हो रही है? जी हाँ। देखो बच्ची, मैं साधु महात्मा हूँ, वैसे यहाँ पर मुझे आना नहीं चाहिए था। ये तो सही है बाबा जी। अगर आ गया हो तो मैं भी बोल लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हाँ। जिस लड़की की बोली हो रही है उसका मुख मुझे दिखाइए, अगर लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं भी बोली लगाऊंगा। देख लो भाइयों, आम जनता होते तो एक प्रकार से खुशी होते तो मानियो बात। अरे बाबा, देखा था खुशी के मारे एकदम भूसा हो जा। बाबा बस जवान। देखो बच्ची, आपको पैसा चाहिए? जी हाँ। मुझे लड़की चाहिए, पसंद आ जाएगी तो खरीद लूंगा, नहीं तो यहाँ चला जाऊंगा। राम राम। चलो तो देर किस बात की है, मैं लड़की के मुख दिखा। बाबा बोली लग गई, यहाँ अपन चलाइन बनाई है। पहुंचे हुए ये क्या देख रहा हूँ कि डाकू राका सिंह कंचना के यहाँ पर लेकर आया और उसकी बोली कर रहा है, लेकिन सेठ जी का दिया हुआ मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मैं उसी 1,00,000 रुपये से कंचनों को खरीदूंगा और यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। बच्चे बताओ कितनी बोली लगी है? बाबा जी 90,000। देखो बच्ची, लड़की मुझे पसंद है इसलिए मेरी तरफ से 1,00,000 रुपया है। लिया हुआ था बाबा जी। ये लो पैसा और लड़की का हाथ मेरे हाथ में दो, मैं यहाँ से जाऊं। पैसा? अरे पैसा ले जाओ, तुम लोग बैठ कर गिन लो भाई। अनिल, आओ। चलो बच्ची आओ। यहाँ तो कोई भागेगा नहीं, हाथ ऊपर। ओ कालिया साले, इधर आ। ओ कालिया राम, इधर आ। चौक इधर, इधर आ, इधर आ। कालिया महाराज इधर आ। साले जरा सीना टाइट कर आ रहा है बहुत सड़ी वाले। कहिए इंस्पेक्टर साहब। कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हो? चंबल का लुटेरा डाकू खाट डाकू राका सिंह। बहुत अली का तुम्हारा नाम डाकू राका सिंह है? ये डाकू राका सिंह है चौकीदार, आराम को डाकू राका सिंह क्यों है तुमको साले मैंने हेते कसम खाया था रामखोर, मेरा परिवार नाश करेगा। मैं भी कसम खाया था बेटा, जब को तुमको सलाखे के अंदर नहीं करूंगा, चल के नहीं बैठ हरामखोर। चौकीदार
का हो दरोगा जी? कैसे आना हुआ? तुम्हारा क्या नाम है रे? जी मेरा नाम है नंदा भाई। नंदा भाई, ये कोठा हमारा है जहाँ के खड़े हो। खड़े हो गए कोठा तो बड़े ताव झार रहे। तू तुम्हारा भाटा कर दूंगा। क्या हो रे? इधर आ। मेरे इलाके में आकर यहाँ डंडी बाजी कोठा चलाती है। ऐसा नहीं, तुम्हारे इलाके में रुक गई हूँ, लाइसेंस बनवाए हो तब रुके हैं। बेटा तेल लगा पढ़ा रही है साहब। हमारा चौकीदार रुक जा, लाइसेंस दिखा रहे। लाइसेंस किधर है ना? वही अटैची में भूल कर चली आई है। अटैची में भूल कर चली आई है, लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी है। छोड़ा का लाइसेंस जोन करे खो जाओ कल सामने। देर हो गया। पढ़ी लिखी है? पढ़ी हूँ। कितना पढ़ी है रे? तुम कितने पढ़े हो? तमीज है, कोठे पे आके ऐसे बोला जाता है, किसी के ऊपर हाथ छोड़ा जाता है। और ये तो मैं जल्दी महिला पर नहीं हाथ छोड़ता हूँ। अगर लिखा दूंगी बेटा तेल लगा के तो अंदर हो जाओ। और हम तेल आज लिखा लूं दे बेटा, संभाल लूं। साहब कितना पढ़ी है रे? कितना पढ़ी है? साहेब मैं इंटर करी हूँ। ये बता, इंटर करी हूँ? राइस माने? तुम्हारे जैसे लवांडे होते हैं। ये बता, मैंगो माने? मैंगो माने अच्छे अच्छे थोड़ने होते हैं। होता है चौकीदार, लगा फाली खत खड़ी लगा। चल तू जल्दी, चल ले सर को देता हूं। बाबा जी इधर आइए। आप तो एक अच्छे इंसान बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। तुमको तो यहाँ नहीं रंडी कोठे पे नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आ गए? आपका क्या नाम है? आप रो क्यों रहे हैं? अच्छा बताओ बाबा जी। सरकार, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है, तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा सरकार। आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं सरकार। मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ सरकार। मैं भी एक भले घराने का लड़का हूँ सरकार। मैं ग्राम धर्मनगरी का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री महाराज धर्मराज सिंह था और मेरी माँ का नाम महारानी प्रेमावती था। एक मेरी सौतेली माँ थी जिसका नाम महारानी नीलमा था और मेरा नाम वीरेंद्र है सरकार। मेरे घर में कुल चार सदस्य थे। एक दिन मैं ननिहाल से पढ़कर अपने घर आया और सबसे पहले अपनी मौसी माँ से मिला और मेरी मौसी माँ पिताजी के खून के इल्जाम में फंसा कर मुझे जल्लाद के हाथों में दे दिया। जल्लाद ने जंगल में ले गया, मेरे कत्ल करना चाहा। मैं जल्लाद के पांव पड़ा और कहा कि भैया, बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे पिताजी के महल में रहते आए हो, मेरे पिताजी का नमक खाए हो, आज उसी नमक की कीमत अदा कर दो मेरे भाई। जल्लाद मेरे ऊपर रहम खाया और जंगल में छोड़ दिया। जब मैं आगे बढ़ा तो डाकू राका सिंह कंचना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मौके पर पहुंचकर कंचना की इज्जत को बचाया और डाकू राका सिंह को मारकर भगाया। तब कंचना मुझे अपने घर ले गई, अपने पिताजी से कह के मुझे नौकरी दिलवाया।
एक दिन कचरा के पिता श्री सेठ कलोरीमल मुझसे कहा कि बेटा दुकान में सौदा नहीं है, घर से 1,00,000 रुपए ले लो, चले जाओ बाजार, वहां से सौदा लेकर आओ और अच्छी तरह से दुकान को चलाओ। मैं पैसे लेकर जब दुकान निकला तभी आकाशवाणी हुई सरकार कि वीरेंद्र तुम तो दुकान पर जा रहे हो सौदा लेने के लिए, लेकिन इधर डाकू राका सिंह सेठ के घर में डकैती डालकर सेठ को जान से मार दिया और उनकी लड़की कंचना को नवेली बाई के कोठे पर लेकर जा रहा है। तब सरकार वहीं से वापस हुआ, यह साधु बानक तैयार किया, भजन गाते बजाते नवेली बाई के कोठे पर आया और सेठ का दिया हुआ जो 1,00,000 रुपया मेरे पास था उसी 1,00,000 रुपए से कंचना का खरीदा और यहाँ से लेकर जा रहा था। तभी आपका आगमन हो गया सरकार, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ सरकार। बहुत अच्छा काम किया है वीरेंद्र, मैं समझ गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बढ़िया काम किया है वीरेंद्र, चलो ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। चौकीदार, मैं चौकीदार, सारी किधर की चला था तुरे। साहेब नहाता पानी में, नहाता नहाता क्या है, नहाता कहा जाता है, नहाता पानी में। देखो चौकीदार, डाकू राका सिंह हमको मिल गया है, मिल गया साहब, बेटा को दौड़ा दौड़ा के आज मारेंगे, दौड़ा के मारा सारे काज। हमारे सैया आनवैया हम जवैया नहीं, आंगूरी से खोती खाती खुबे गुद गुदौ बहु करी है, बोला पौता बोला बहु कर भई चुम्मा तक देवैया नहीं, बोला पौता बोला बहु कर भई चुम्मा तक देवैया नहीं, आई है आनवैया हमर सैया हम जवैया नहीं। क्यों रे साली एक पागल है, तुम साले उसके साथ क्या कर रहे हो? साहेब मार पटर पटर हमको ढूंढ के बहा दिया, ढूंढ के बहा, तू साले तुझको लवर लवर करेगा तो तुझको मारेंगे नहीं। ए तो वीरेंद्र, ओ वीरेंद्र, ओ वीरेंद्र जा रहे हैं, वीरेंद्र वीरेंद्र वीरेंद्र, ये बताओ इस पागल को देखकर आप इतना रो क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है, ये कौन है? सरकार ये कोई पागल दूसरी नहीं बल्कि ये पागल मेरी मौसी माँ है सरकार, यही मेरी मौसी माँ मुझे घर से बेघर कर दिया, जिस समय ये जल्लाद के हाथों में दे रही थी उसी समय मैं इसे श्राप दिया था कि मौसी माँ
आज तो तुम मुझे जल्लाद के हाथों में दे रहे हो, मैं यह दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन एक दिन तू पागल होकर दर बदर की ठोकरें खाओगी और दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। आज भाई मेरी मौसी माँ पागल होकर दर बदर की ठोकरें खा रही है सरकार। मेरी गलती पो माँ। ये बताओ वीरेंद्र, ये कौन है? ये पागल के साथ में ये कौन है? सरकार, ये मेरे महल के महामंत्री ज्वाला सिंह है। एक दिन जब मौसी माँ मुझे घर से निकाल रही थी तो कोड़े से मार मार के मेरी चमड़ी निकाल दिए। मैंने कहा कि मंत्री जी, मैंने मौसी माँ के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी एक बात नहीं माने और मार मार के मेरी चमड़ी निकाल लिए। तब मैंने श्राप दिया था कि मंत्री जी, मैं तो यह दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन एक दिन तुम्हारे तन बदन में कोल हो जाएगा और तू दर बदर की ठोकरें खाओगे, लेकिन दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। देखो वीरेंद्र, ये तुम्हारे शराब की वजह से हुआ है। इनको कोल हो गया और तुम्हारी माँ पागल हो गई। दे बताओ वीरेंद्र, ये दोनों ठीक कैसे होंगे? तुम्हारे पास कोई उपाय है ठीक करने के लिए? सरकार, आकाशवाणी में दुर्गे माँ ने बताया था कि बेटा सामने एक मंदिर दिखाई दे रही है, उस मंदिर में एक माला है, उस माले को अपने गले में डाल लेना और इस माले से तुम जो चाहोगे सो पाओगे। हो सकता है इस माले में कुछ ऐसी शक्ति हो जिससे मेरी मौसी माँ का पागलपन दूर हो जाए और मंत्री जी का कोर दूर हो जाए। सर अजमा कर देखो वीरेंद्र, ठीक हो जाए तो ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। या माँ, आज तेरे दरबार में आया हूँ माँ। ये काली माँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा लाल हूँ माँ। इस लाल पर दया कर माँ, मेरी मौसी माँ को ठीक कर दो। मामा होती है अगर मैं सब गलती करे तो बेटों को हमेशा माफ करना पड़ता है माँ। अगर इस बारे में कुछ सकती है तो मेरी मौसी माँ को ठीक कर दो काली माँ। साथ कुछ नहीं किया मौसी माँ, भले तू मुझे जन्म नहीं दी थी लेकिन हमेशा मैं तुम्हें माँ का दर्जा दिए करता था और आज भी दे रहा हूँ माँ। बेटा मैं इस दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगी रे बेटा, बोल मेरी गलती को माफ कर दिला। नहीं माँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ। बेटा वीरेंद्र, मैं तुम्हारा वही वफादार मंत्री हूँ। मैं अपनी करनी का फल पा चुका हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मंत्री जी, हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही हुआ।
आप लोग मेरे साथ कुछ नहीं किए, हमेशा मैं तुम्हें पिता का दर्जा दिया करता था, आज ही पिता का दर्जा दूंगा। आपकी गलती आज से माफ हो गई मंत्री जी, लेकिन मंत्री जी आज आप मिल गए, मेरी मौसी माँ मिल गई, लेकिन मेरी माँ नहीं मिली जो मुझे जन्म दिया है। मंत्री जी मौसी माँ कहाँ है मेरी माँ? कहा जाऊं? हमारा बेटा वीरेंद्र किस हाल में होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा? मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कहा कि तुझे ढूंढूं कहा बिरना कि तुझे ढूंढूं काबिर ना पतवार बीचे डूबे मजीदा नहीं होगा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है माँ, हमारे और तुम्हारी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही हुआ। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है माँ कि तुम्हारे सामने मौसी माँ खड़ी हुई है और मंत्री जी हैं, इनसे दो बात कर लो माँ। माफ कर दो माँ, क्योंकि मौसी माँ अपनी गलती को माफ कर दो बहन। अरे दीदी मैं भूल में गलती कर दी। अरे ये तो जहाँ चार बर्तन रहता है दीदी, बहन कुछ नहीं, जहाँ चार बर्तन रहता है वहाँ खटाखट होता रहता है। मैं आपकी गलती को माफ कर दी दीदी। बड़ी महारानी जी हमारी गलतियों को भी माफ कर दो। देखो वीरेंद्र, तुम्हारा आज हरा भरा परिवार फिर से मिल गया। बेटा वीरेंद्र, बोलो मौसी माँ। ये बताओ, ये जो लड़की खड़ी है कौन है बेटा? ये नहीं जानना चाहते हो मौसी माँ की लड़की कौन है? हाँ। मौसी माँ, जब आप लोग मुझे घर से निकाल दिए थे तो यही लड़की मुझे अपने घर में सहारा दिया। इसका नाम कंचना है, ये सेठ करोड़ी मल की लड़की है, ये बहुत बड़े सेठ की लड़की है, लेकिन इसके पिता इस दुनिया में नहीं है। अगर एक दिन कचना मुझे अपने घर में सहारा दी थी तो आज भी मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। आज मेरी माँ है और माँ के समान आप हैं, पिता के समान मंत्री जी हैं और इंस्पेक्टर साहब हैं, सबके समक्ष
अगर कंचना का हाथ मेरे हाथ में दे दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। शादी करना क्या चाहते हो वीरेंद्र? चौकीदार इधर आ। शादी करना चाहता है ना? आज ही कराता हूँ। कंचना का और वीरेंद्र का हाथ शादी करा दो। भगवान करे तुम्हारी दिन थोड़ा बन जाए, आवा हम करवाएंगे। एक ऐसी आकर की गई मुस्किया जी नहीं मन हमारा। बढ़िया ब्याह कराए लिया था भैया। हाँ बढ़िया कराई थी। बढ़िया इस लोग बोले है। देखा देना बहाना बिना लगने को होता है, बिना लगने के शादी ब्याह बड़ा दिक्कत होता। एक का है आए तो हमन के पंडित है, बौद्ध धर्म से शादी हम करा देते है बिना लगन। कौनो बीमारी है का भाई? आए भाई अच्छा मंत्र पढ़े तो पहले हम तनी श्लोक कह ले अंदर अंदर अपने। बुद्धं शरणं गच्छामि। जानत है नहीं बिना लगन के ब्याह वाला शादी आप। बुद्धं शरणं गच्छामि मन मिलामै अच्छामि दुनौ का जोड़ा बना रहै तबनु भैया। ऐसे शादी होते है? ऐसे बौद्ध धर्म में हम ऐसे करवाई। चलो ठीक है। देखो कचरा जैसे शादी कर रहे हो ठीक है। ये मेरी माहन के पाउच आशीर्वाद लो। और ये मेरी मौसी माहन के पाउच हो। पिता के समान मंत्री जी भी खड़े हुए उनके भी पाँव छुओ। सर क्या बात है वीरेंद्र? आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पर मिल गया। आप लोग शादी भी करवा दिए जी जी और घर हरा भरा भी हो गया। हरा भरा हो गया। ये बताइए डाकू राका सिंह का क्या होगा? देखो वीरेंद्र इस हराम घर डाकू राका सिंह को ले चल रहा हूँ थाने में। जो फैसला करेगी अदालत करेगी। बड़ी अच्छी बात है। चौकीदार उठा ला साले को। ए सनीचर महाराज। ए बे हाँ साथियों ये नौटंकी मास्टर नन्हेलाल पटेल ग्राम शेखुपुर तहसील रानीगंज थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ से बुलवाए गए थे। इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत बेकसूर राजकुमार। बेकसूर राजकुमार सौतेली माँ का अत्याचार उर्फ डाकू राका सिंह। बेकसूर राजकुमार सौतेली माँ का अत्याचार उर्फ डाकू राका सिंह। यही से संगीत समाप्त होती है। बोलो काली मैया की।